मुझे स्कूल तो बहुत देर हो रही है। क्या हुआ, इतनी जल्दी कैसे आ गए? स्कूल की छुट्टी है क्या? नहीं नहीं सावित्री, वो मैं अपना थैला ले जाना भूल गया था, तो स्कूल कैसे जाता? ओ, 4 किलोमीटर से साइकिल घसीट के ला रहा हूँ। तुम और तुम्हारा थैला, हर वक्त उसे अपने साथ चिपकाए रखते हो। अरे अगर एक दिन थैला नहीं ले जाते तो कोई आफत आ जाती? खामखा इतनी तकलीफ की। देखो देखो सावित्री, तुम नहीं समझती कि ये थैला शमशीर सिंह के लिए कितना कीमती है। देखो मेरे सिरहाने के नीचे रखा होगा, जल्दी से मंगवा दो, काम नहीं। क्या बात है पापा? बेटे बात क्या होनी है, तेरे पापा का थैला इनके बिस्तर पर वो सिरहाने के नीचे रखा होगा, जला दे। पापा उस फटे पुराने थैले का क्या करेंगे आप, उसे फेंक कर नया थैला क्यों नहीं ले लेते? कितना पुराना हो गया है। बेटे जो जो चीजें पुरानी हो जाए उन्हें कोई फेंक थोड़ी देते हैं। अब देख तेरी माँ कितनी पुरानी हो गई है और तू भी तो अब 18 साल की हो गई है। ये क्या कह रहे हैं आप, मैं कोई थैला हूँ? जा बेटी जा, थैला ला कर दे। अजी जरा अकल से काम लिया करो, कामिनी अब बड़ी हो गई है। हाँ ये बात तो तुम ठीक कहती हो, कामिनी बड़ी तो हो गई है, और अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो एक दिन बूढ़ी भी हो जाएगी। देखो भाई बूढ़े तो एक दिन सभी को होना है ना, और पर इस बात का मेरे काम से क्या मतलब? वही तो मैं कह रही हूँ, कामिनी 18 साल की हो गई है, अब इसकी शादी की चिंता करो। क्या बूढ़ी करके इसकी शादी करोगे? हाँ कामिनी की तो अब शादी कर देनी चाहिए। अच्छा मैं देखता हूँ उसके लिए लड़का, ठीक है। ये लीजिए अपना थैला। अरे जीते रहो बेटे। हाँ देखोगे तुम, हर वक्त तो थैले को साथ चिपकाए रखते हो, कह तो ऐसे रहो जैसे सब कुछ थैला ही करा देगा। हो सकता है सावित्री, हो सकता है, हो सकता है ये थैला ही सब कुछ करवा दे। हाँ आप बातें करते रहना। प्रिंसिपल इस पे भी करता है सारी बात। अरे मदन भाई। हाँ रामलाल कहो कैसे हो, ठीक ठाक? बस ठीक। अच्छा भाई तुम क्लास को देर हो रही है, सुनो तो सही। क्या बोलो? वो मैनेजर साहब तो आपको काफी मानते हैं ना? हाँ वो तो मानते ही हैं। आपने कहा था कि आप मेरी सिफारिश कर देंगे। सिफारिश? हाँ सिफारिश कर देंगे कर देंगे, लेकिन तुम किस सिफारिश की बात कर रहे हो भैया? अरे भूल गए मदन भाई, तुम तो जानते ही हो कि हिंदी पढ़ाने वाला जीतराम चौधरी 15 दिन से छुट्टी पर है, और मुझे हिसाब के साथ साथ हिंदी की क्लासें भी लेनी पड़ती हैं। कुल मिलाकर काफी बोझ आ गया है ना मेरे कंधे पर। बोझ तो पड़ ही गया भैया, लेकिन अब तुम जानो मैं क्या कर सकता हूँ। तुम प्रिंसिपल साहब से बात करो। अब प्रिंसिपल साहब से क्या बात करें, तो? उनसे बात करते हैं तो तबाक से बोलते हैं। हाँ? नहीं शिक्षा पूरी होनी चाहिए, क्लासें पूरी लगनी चाहिए। क्लासें? हाँ? हाँ, क्लासें पूरी लगनी चाहिए। मदन भाई अरे मदन भाई क्या है, कुछ करो ना यार। अब मैं अच्छा तुम ऐसा करो, प्रिंसिपल साहब से मना कर दो। मना कर दूं? हाँ। कमाल कर रहे हैं यार। हाँ? अगर मना कर दूंगा तो नौकरी से हाथ नहीं धोना पड़ेगा, और वैसे भी नौकरी आजकल आसानी से मिलती कहाँ है। अब वो ये तो है ही, लेकिन फिर तुम करोगे क्या? यही तो आपसे कह रहा हूँ। हाँ? कि मैनेजर साहब से मेरी सिफारिश कर देंगे तो मुझे इस काम के लिए कुछ अलग से पैसे मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। अलग से? हाँ हाँ ये हो सकता है।
मैं तुम्हें स्कूल फंड में से कुछ दिलवा दूंगा। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लो थैले वाला भी आ गया। राम राम मदन, रामलाल जी कैसे हो? जब भी स्कूल फंड की बात होती है ये कमबख्त बीच में आटा पकता है। क्यों भाई, स्कूल फंड को क्या हो गया है? फंड का क्या होना है भाई, फंड तो स्कूल का है। और है और शमशीर, आज फिर अपनी साइकिल के सीट तो चले आए। क्या है कि कभी कभी कुत्ते फेल हो जाते हैं और कभी चेन उतर जाती है, तो साइकिल तो घसीटनी ही पड़ती है ना। तो भैया एक नई साइकिल कौन नहीं खरीद लेते? ना ना भाई, ना ना तो मैं ये साइकिल बदल सकता हूँ और ना ही ये थैला। दरअसल इन दोनों ने मेरा इतने बरस साथ दिया है कि असल में ये मेरी जान है। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे क्लास लेनी है। अच्छा वो स्कूल फंड का क्या हुआ? वो फंड का क्या होना है जी? अच्छा अच्छा ठीक, फंड का क्या हुआ? ऐसे पूछता है जैसे स्कूल का फंड इसके बाप का है। शमशीर का बाप वसीयत में दो ही चीजें छोड़कर गया है, एक टूटी फूटी साइकिल और एक ये थैला। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। गड़बड़? हाँ, गड़बड़ का सामान थैले में है। कोई बात नहीं, मैं मालूम करता हूँ। अब पर वो मेरी सिफारिश। अरे भाई सिफारिश भी कर देंगे, फिक्र नहीं करो, पहले थैले के बारे में तो मालूम कर लूँ। थैला? नो नो रामलाल, आई डोंट एग्री विद इट। ऐसी शिकायत मेरे पास आइंदा नहीं आनी चाहिए। सर वो देखिए, अगर लड़का होमवर्क नहीं करता है तो फॉल्ट पेरेंट्स का नहीं है, स्कूल का है, आपका है, मेरा है। अब ये तो कोई बात नहीं हुई कि रवि माथुर के पेरेंट्स ने आपको लिखकर नहीं भेजा कि उसने 3 दिन से होमवर्क नहीं किया। पर सर इनके माँ बाप का भी तो कोई फर्ज बनता है। ऑफ कोर्स बनता है, लेकिन आप अपने फर्ज से डिनाई नहीं कर सकते। देखिए लड़का अगर पढ़ने में दिल नहीं लगाता है, कमजोर है, इंटरेस्ट नहीं लेता है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसे समझाएं, उसका इंटरेस्ट क्रिएट कराएं, उसके माँ बाप को लिखकर भेजें। पर सर मैंने रवि माथुर को 3 बार कहा कि अपने फादर को बुलाकर लाए, लेकिन वो 1 बार भी बुला कर नहीं लाया सर। तो अब देखो रामलाल, अब वक्त बदल रहा है और हम लोगों को भी इस बदलते हुए वक्त के साथ खुद को ढालना चाहिए। जी सर। वो जमाना तो रहा नहीं कि मैं मास्टर के डंडे से काम चल जाया करता था। जाइए, आइंदा ऐसी शिकायत नहीं आनी चाहिए। इस बच्चे की रिपोर्ट रेगुलरली मुझको भेजते रहिए। ठीक है सर। क्लास लीजिए आप। इनको भेजो। नमस्कार। आइए आइए मिस्टर। जी मैं पिछले 20 मिनट से आप ही की वेट कर रहा था। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आपको तकलीफ उठानी पड़ी। तशरीफ रखिए, कुछ जरूरी बात चल रही थी। थैंक्स। कहिए क्या कर सकता हूँ आपके लिए। सॉरी सर, अब एडमिशन तो नहीं हो सकता है, सीट सारी भर गई हैं। अलबत्ता एक काम कीजिए, आप अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन ऑफिस में करा दीजिए। ये छुट्टियों के बाद अगर कोई जगह खाली होती है तो टेस्ट के बाद उसका सिलेक्शन हो जाएगा, बशर्ते कि वो टेस्ट क्लियर कर ले। लेकिन आपके मैनेजर ने तो कहा था कि। मैं कब कहता हूँ कि मैनेजर साहब ने गलत कहा था। देखिए साहब, हर स्कूल के कुछ नियम होते हैं, हमारे भी हैं और हमको उनका पालन करना पड़ता है, और ये नियम मैनेजमेंट के ही बनाए हुए होते हैं, मैं आप लोगों की भलाई के लिए। देखिए प्रिंसिपल साहब, हम लोग आम लोगों में तो आते नहीं, हम समय समय पर आप लोगों की मदद करते रहते हैं। आप ही के मैनेजर ने कहा कि 20,000 की डोनेशन दे दीजिए, काम हो जाएगा। हमने दे दिए, लेकिन अब डोनेशन देने के बाद भी मेरी बेटी की एडमिशन नहीं होती तो यह धांधलेबाजी हुई। ये कैसे कह सकते हैं? एक्सक्यूज मी, क्या कहा आपने? किसको डोनेशन दिया? आपके मैनेजर को। वेल मिस्टर पुरोहित, इस तरह से अगर आप किसी को भी डोनेशन देकर यहां चले आए तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं होता है कि हम आपके बच्चे को एडमिशन देने के लिए बाउंड हो गए। जी हाँ, आप बिल्कुल बाउंड हैं।
क्योंकि हमने पैसा खर्च किया है। अगर आपने इसमें टांग अड़ाने की कोशिश की तो आपको भी इसका फल भुगतना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, तो आप धमकी दे रहे हैं, मुझको थ्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप ये क्यों भूल जाते हैं प्रिंसिपल साहब कि आपकी मैनेजमेंट हमारी ही बनाई हुई है। आप भी एक चीज भूल रहे हैं मिस्टर पुरोहित, अगर हम ये नियम इसी तरह से तोड़ते रहे तो इसका असर हमारे स्कूल के रिजल्ट पर पड़ेगा। देखिए, हमारा नियम है कि हम एक क्लास में सिर्फ 40 बच्चे लेते हैं। लेकिन एक बच्चे से क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है साहब, बिल्कुल पड़ता है। अगर आप ही की तरह के 5 लोग इस तरह से डोनेशन देकर यहाँ पर चले आए और अपने बच्चों का एडमिशन करा दें तो उसका असर बाकी के 40 बच्चों पर पड़ेगा। वो 40 बच्चे नुकसान क्यों उठाएं इस बात का? नुकसान बच्चों का नहीं, आप कहो सकते हैं प्रिंसिपल साहब। अच्छा हुआ तुम मिल गए यार। क्यों, क्या बात है? जल्दी बोलो, मैं बहुत जल्दी में हूँ। अरे प्रिंसिपल साहब मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। अच्छा? कहते हैं कि सिलेबस पूरा करो। अब तुम ही बताओ इस महीने में कितनी ज्यादा छुट्टियां पड़ी हैं, सिलेबस कैसे पूरा हो सकता है? हाँ ये बात तो ठीक है, अगर छुट्टियां ज्यादा हुई होंगी तो पढ़ाई नहीं हुई होगी और पढ़ाई नहीं हुई होगी तो सिलेबस कैसे पूरा होगा। मैं चलता हूँ। अरे भैया प्रिंसिपल साहब तो एक ही रट लगाए हुए हैं, कहते हैं कि सिलेबस पूरा करो। अब तुम ही बताओ बच्चों को एक साथ सिलेबस पूरा कराना कोई हंसी ठट्टा है क्या? नहीं है, नहीं है। लेकिन चौहान साहब आपकी समस्या का तो मेरे पास भी कोई हल नहीं है। मेरे भैया सिर्फ तुम्हारे ही पास हल है। प्रिंसिपल साहब तुम्हारी बात मानते हैं। अच्छा? उनसे थोड़ा कहो ना, मैं अगले 2-3 महीने में पूरा सिलेबस करा दूंगा। ठीक है, कह दूंगा उनसे, लेकिन अब मैं चलता हूँ। भैया सुनो तो सही। शमशीर तुम्हारे थैले में क्या है? थैला है बस, और क्या है? थैला है ये? नहीं, मेरा मतलब है कि इसमें रखा क्या है? एक दिन खुद देख लेना कि इस थैले में क्या है। अच्छा मैं चलता हूँ, बहुत जल्दी में हूँ। मगर ऐसी क्या जल्दी है तुम्हें? कमबख्त बाथरूम में भी अपने थैले को नहीं छोड़ के जाता। उसका थैला उसकी मर्जी, तुम्हें क्या? अरे तू नहीं समझते तुम, थैले में जरूर कुछ है। क्या है? अब गड़बड़ का सामान। आओ शमशीर अंदर आ जा। नमस्ते साहब। आपको कैसे पता चला साहब कि मैं आया हूँ? अरे भाई तुमसे पहले तुम्हारे थैले के दर्शन हो गए। और कहो कैसी चल रही है तुम्हारी क्लासेस? बिल्कुल ठीक सर, मैंने वो सिलेबस भी कवर कर लिया है सर। गुड, वेरी गुड। सिलेबस तो पूरा होना ही चाहिए। जी। कंप्लीट एजुकेशन। जी जी। और उधर चौहान को देखो, अभी तक सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ। नहीं सर, वो कह रहा था कि वो सिलेबस पूरा करा देगा लेकिन उसे थोड़ा सा वक्त चाहिए। खाक पूरा करा देगा, और वक्त कहाँ से मिलेगा? मैनेजर साहब इसी तरह से छुट्टियां करवाते रहे तो मिल चुका वक्त। पता है मैंने मैनेजर को कुछ पैसे सैंक्शन करने के लिए कहा था, स्कूल के एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज के लिए, साफ मना कर दिया। उल्टे मदन को 1500 रुपए की सैंक्शन दे दी। लेकिन मदन को क्यों, किस लिए साहब? ये तो तुम्हारे मैनेजर साहब जाने, मदन उनका, स्कूल उनका, स्कूल फंड उनका। नहीं साहब ये बात तो गलत है, स्कूल फंड तो स्कूल का ही होना चाहिए, और इस तरह पैसा सैंक्शन करने के खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन तो होना चाहिए। हाँ जरूर होना चाहिए, बैठो। जी। होना तो चाहिए, लेकिन कोई सबूत भी तो हो हमारे पास। मैनेजर साहब का कहना है कि मदन काफी एक्स्ट्रा काम करता है, इसलिए उसे कम से कम 6 महीने का पैसा मिलना चाहिए फालतू। असल में वो उसके घर का काम करता है। काम मैनेजर के घर का और पैसा स्कूल के फंड का, ये तो नाजायज है साहब। और भी बहुत सी बातें, लेकिन इस मैनेजर ने तो सारे कायदे कानून उठाकर ताक के ऊपर रख दिए हैं। मेरे ख्याल से पिछले साल कम से कम 1-1.5 लाख रुपए का स्कूल फंड में घपला हुआ है। 1-1.5 लाख?
साहब ये तो बहुत रकम होती है ना? अब सोचो, अगर यही पैसा स्कूल पर, एजुकेशन पर खर्च किया गया होता तो यहाँ का नक्शा कुछ और नहीं होता। ऐसे आदमी को जरूर सजा मिलनी चाहिए साहब। मिलनी तो चाहिए, लेकिन मुसीबत यह है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, और जब तक सबूत ना हो मैं क्या एक्शन ले सकता हूँ? ऐसे व्यक्ति के खिलाफ एक्शन होना चाहिए साहब। आप बेफिक्र रहे, मैं आपके साथ हूँ, और झूठे का मुंह काला जरूर होगा सर। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे सारे सबूत तुम्हारी जेब के अंदर पड़े हुए हो और तुम निकाल कर पुलिस के सामने रख दोगे जब जरूरत होगी। साहब जेब में ना सही, थैले में तो हो सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आप ये कागज देख लीजिए, मैनेजर साहब ने अपनी स्वीकृति दे दी है, आप साइन कर दीजिए, रामलाल को पैसे मिल जाएंगे। अच्छा साहब, मैं चलता हूँ साहब। अच्छा शमशीर, ठीक है साहब। सर आप कागज देखिए, मैं जरा थैला देखता हूँ। मास्टर जी राम राम। राम राम मास्टर जी। कैसे है भाई? ठीक है। कहाँ चले घोड़े पे होके सवार? वो अपने मैनेजर साहब के घर जा रहा था, कुछ काम था। भाई मास्टर जी, जी अब तो आप हमारी दुकान से एक नया थैला सिलवा लो। जी ये अब थैला आप पे जमता नहीं। नहीं नहीं भाई नहीं, ये थैला मैं बिल्कुल नहीं बदल सकता। हाँ। अरे चलो मास्टर जी, पैसे मत देना, नया थैला तो सिलवा लो। इस थैले को तो मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ सकता, इस थैले में तो मेरी जान है। अच्छा अच्छा मास्टर जी चलता हूँ, वो जरूरी काम है ना, अब फिर मिलता हूँ। हाँ अच्छा, राम राम भाई। राम राम। हाँ। भाभी जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार भाई, तुम्हारी बड़ी लंबी उम्र है, अभी मैं तुम्हें याद कर रही थी। कुछ काम था क्या? कैसे? हाँ, याद किया? बहुत फायदा होता है शमशीर, कम से कम बिल तो अदा हो जाते हैं। अब की बार आपका टेलीफोन का बिल कुछ ज्यादा आया है ना, मैंने वहाँ शिकायत दर्ज करा दी है और सारी फाइलें भी खुलवा कर देखी थी। हाँ इस महीने कुछ ज्यादा आया, पता नहीं क्यों। खैर मैंने जब उनसे कहा चेक करने के लिए तो कहने लगे कि एसटीडी की वजह से आया होगा। मैंने कहा भाई ये बात तो ठीक नहीं, अगर हिसाब ठीक से चेक कर लो तो क्या खराबी है। मैनेजर साहब दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ पर हैं? तुम्हें पूछ रहे थे। अच्छा अभी अभी आए दुकान से, बैठो ना। नहीं जी ऐसे ही ठीक है। तुम्हारे घर में तो सब ठीक ठाक है ना? जी वैसे तो सब ठीक ठाक है, लेकिन कामनी की शादी करने की सोच रहे थे, बस आप ही लोगों का सहारा है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है शमशीर, मैं इनसे तुम्हारी सिफारिश कर दूंगी। वो कौन है भाई? अजय शमशीर है, बेचारे ने भाग दौड़ करके किसी तरह बिल जमा करवा दिए। अरे शमशीर। नमस्ते साहब। क्यों स्कूल का क्या हाल चाल है? कोई तकलीफ तो नहीं? अगर कोई परेशानी हो तो निसंकोच हमसे कह दिया करो। नहीं साहब, आपका दिया सब कुछ है और आपकी तो पूरी दया है हम पर, बस लेकिन इधर कुछ चिंता हो चली है साहब। अरे किस बात की चिंता है तुम्हें, इनसे कहो ना। सुनिए इसको कुछ पैसे उधार दिलवा दीजिए। तो तुम चुप करो। स्कूल फंड से दिलवा दीजिए ना। चुप करो तुम। आशीष जी क्या परेशानी था? साहब परेशानी तो आनी ही थी, अब कामनी बिटिया जवान हो गई है तो उसकी शादी का बोझ आन पड़ा है और इसलिए हर वक्त पैसे की वजह से बहुत परेशान रहता हूँ साहब। अच्छा शमशीर तुम कुछ काम फालतू कर सकोगे? जी जी साहब जरूर साहब, अगर दो चार पैसे फालतू मिल जाएंगे तो मदद हो जाएगी साहब। अच्छा ऐसा करो, तुम स्कूल के बर्सर का काम संभाल लो, क्लासे लेने के साथ साथ थोड़ा सा दफ्तर का काम भी कर दिया करो, बिल विल चेक करना, इससे तुम्हें हर महीने 100 रुपये और मिल जाएंगे। ठीक है साहब, लेकिन साहब वो प्रिंसिपल साहब कह रहे थे कि हिसाब में कुछ गड़बड़ घोटाला है साहब। गड़बड़ क्या मतलब साहब? मैं नहीं कह रहा था साहब, वो
वो प्रिंसिपल साहब कह रहे थे कि स्कूल फंड में कुछ कुछ गड़बड़ है साहब। इस प्रिंसिपल का तो दिमाग खराब हो गया है, जाने उसकी क्या क्या हरकतें करता है। अरे चाय चाय वाय लाओ ना, चाय पियोगे? नहीं साहब, आप क्यों 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 तकल्लुफ कर रहे हैं साहब? अरे इसमें तकल्लुफ की क्या बात है, तुम्हारा ही घर है, तुम अपने ही आदमी हो, क्यों? अभी लाए। हाँ, तुम्हें क्या कह रहा था जी साहब? वो आप प्रिंसिपल के गड़बड़ घोटाले के बारे में बात कर रहे थे। इस प्रिंसिपल के बच्चे ने मालूम क्या किया है, इतने साल से स्कूल की कोई मरम्मत ही नहीं कराई। साहब वो तो ये कह रहे थे। अरे जो पैसे इसने लिए मरम्मत के लिए पता नहीं कहाँ खर्च कर डाले। लेकिन साहब वो तो ये कह रहे थे कि स्कूल फंड में पैसा ही नहीं है। अब तुम बरसर बन जाओगे ना तो सब पता लग जाएगा। अच्छा है तुम तो अपने आदमी हो, जरा निगाह भी रखोगे सब हिसाब किताब पर। ठीक है साहब, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए साहब, अब हिसाब किताब में एक ढेला भी इधर से उधर नहीं होगा साहब। चाय। अरे लो, आपने ऐसे ही तकलीफ की। नहीं नहीं, भाभी जी की क्या बात है। चाय पियो, चाय पियो साहब। मैं तो वैसे भी चाय लो। मेहरबानी, इनको कुछ खाने को दो ना। नहीं नहीं साहब, नहीं साहब, वो लो ना शमशेर। ठीक है, वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं थी जी। और लो। बस ठीक है जी, कोई जरूरत नहीं थी जी इसकी, बस आप ले। बस काफी नहीं, जरा रहने दो, हमें छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ तो शमशीर, इस प्रिंसिपल के बच्चे से बच के रहना, थोड़ा घा गई। अब जब मैं आ ही गया हूँ तो मैं सारा हिसाब किताब देख लूंगा और कोई भी बच नहीं पाएगा, चाहे कोई भी हो। आप बिल्कुल बिल्कुल बेफिक्र रहिए साहब। अच्छा साहब, मैं चलता हूँ साहब। नमस्कार। नमस्कार साहब, वो मेरा थैला साहब। अरे इस थैले में क्या है, कोई शमशीर छिपा रखी है क्या? ऐसा ही समझ लीजिए साहब, ऐसी शमशीर जो गड़बड़ करने वाले के सिर पे लटक रही है। अच्छा साहब, मैं चलता हूँ साहब। शमशीर। अरे अरे रामलाल। कैसे हो? अच्छा हूँ। ठीक हो ना? आप तो तुम अफसर हो गए हो। हाँ वो तो। एक सलाह तो दे सकते हो? हाँ हाँ। वो क्या है कि पिछले महीने मैं टूर पर गया था बच्चों को लेकर। हाँ हाँ। तो 150 रुपए मुझे सैंक्शन हुए थे। हाँ। लेकिन खर्चा मेरा 300 रुपए का हो गया। अब वो 150 रुपए मेरी जेब से जा रहे हैं, बताओ क्या करूँ? 150 रुपए के झूठे वाउचर बना दो यार। झूठे वाउचर? हाँ मतलब ट्रांसपोर्टेशन के, हायरिंग के और वो स्टोरिंग के वगैरह वगैरह। लेकिन वो पास कौन करेगा? बरसर तो मैं हूं ना। हाँ। है एक मिनट, ये दो कागज साइन कर दो। कोई गड़बड़ तो नहीं होगी, मेरा मतलब मैं फंस तो नहीं जाऊंगा ना? अरे भाई तुम साइन तो करो। अच्छा, अब बाकी मैं देख लूंगा। दो पैसे। ठीक है, शुक्रिया शमशीर। चलता हूँ मैं। ठीक है। बहुत बिजी हो शमशीर साहब। आपने कैसे तकलीफ की साहब, मुझे बुलवा लिया होता। इसमें तकलीफ की क्या बात है, इधर से गुजर रहा था, सोचा तुमसे भी बात करता चलूं। अब तो तुम बरसर हो, एक सलाह दो। साहब आप बैठिए ना साहब, पहले आप बैठिए ना। और सलाह कैसी साहब, आप हुक्म करिए। शमशीर तुम्हें तो मालूम है कि हमारे स्कूल का परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स में कितना अच्छा रहा है। जी जी, 3-4 लड़के तो काफी टैलेंटेड हैं। अगर उनको पूरी सुविधाएं दी जाएं तो मुझे पूरा यकीन है कि वो
नेशनल लेवल तक पहुंच सकते हैं। जी ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, और इससे तो स्कूल का नाम भी ऊंचा होगा सर। लेकिन मुश्किल ये है कि ये सुविधाएं जुटाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के नाम पर हमारे पास कोई बजट नहीं है, और अगर है भी तो वो बस नाम के लिए सिर्फ। साहब लेकिन ये जो पैसा है ये किस दूसरे हेड से निकाल कर ये सुविधाएं जुटाई जा सकती हैं। मसलन साल में 2 पिकनिक कम कर दें और इसी तरह के बाकी कुछ हेड से थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल लें बस। अरे हाँ ये तो हो सकता है जी। जरा तुम हिसाब लगा कर बताओ कि इस तरह से कितना पैसा बचाया जा सकता है। साहब अब पिछले 3 साल से स्कूल में रंग रोगन नहीं हुआ है, लेकिन पैसा तो खर्च हुआ ही है, तो फिर ये खर्च कहाँ हुआ? क्या मतलब? मतलब तो आप खूब समझते हैं साहब। मसलन आपने वो एक ऑडियो विजुअल की कुछ एड्स मंगवा ली थी, एक स्लाइड प्रोजेक्टर मंगवा लिया था। इससे स्कूल को कितना फायदा हुआ है इसका अंदाजा है तुम्हें? जी जी जी। मैनेजर साहब ये मानने को तैयार नहीं है। मैट्रिक पास दुकानदार को अगर स्कूल का मैनेजर बना दिया जाएगा तो यही नतीजा होगा। ऑडियो विजुअल से बच्चों को कितना फायदा होता है, उनके करियर को कितनी हेल्प मिलती है, इसका अंदाजा उन्हें नहीं है। न इस तरह के अच्छे कामों के लिए वो पैसा दे सकते हैं, उल्टे वो मदन रामलाल और इस तरह की दूसरी फजूल खर्ची पर सैंक्शन कर देंगे। जी वो आप बेफिक्र रहें सर, मैं इस भले काम में आपके साथ हूँ, और मैनेजर की धांधली तो बिल्कुल बंद, पिछले सब गड़बड़ घोटाले भी मैं देख लूंगा सर। फिर क्या मैनेजर साहब, जब मैंने शमशीर से पूछा कि भैया तुम्हारे थैले में क्या है, तो बोला वक्त आने पर दिखा दूंगा। और तो और मैनेजर साहब कमबख्त बाथरूम में भी थैला अपने साथ ही रखता है। क्या कहता था हमारे बारे में? कौन कौन से सबूत हैं उसके पास हमारे खिलाफ? अजी ए से लेके जेड तक सबूत ही सबूत भरे पड़े हैं उसके थैले में। मुझसे कह रहा था स्कूल फंड का क्या हुआ। स्कूल फंड? हाँ। स्कूल फंड के बारे में उसके पास क्या सबूत? मैं क्या बताऊं आपको मैनेजर साहब, अपनी तो लुटियाई डूब गई। जैसे ही सबूत प्रिंसिपल साहब को मिलेंगे अपना काम तमाम समझिए। प्रिंसिपल को देगा ही क्यों भाई? अरे भाई साहब देगा क्यों नहीं, दो दो तीन तीन घंटे एक दूसरे के कमरे में बैठे कानाफूसी करते रहते हैं। कानाफूसी का मतलब समझते हैं ना आप? गड़बड़ घोटाला। गड़बड़ घोटाला? हाँ। अब समझ में आया। जब मैंने उससे पूछा उसके थैले में क्या है, हाँ। तो बोला शमशीर। हाँ। हर उस आदमी के सर पर लटकने वाली जो गड़बड़ घोटाला करता है। जी हाँ, और अब वो शमशीर बन गई है तलवार, और गड़बड़ घोटाला करने वाले हैं आप, और आपके साथ साथ मेरा सर है उसकी तलवार। कुछ कीजिए मेरे साथ। सोचने दे, हाँ। सोचने दे। सोचिए। अगर उसके पास हमारे खिलाफ सबूत है तो उन्हें निकलवाना तो पड़ेगा ही। तू चुप रहना, कुछ मत बोलना। मैं चुप। उसे पता भी नहीं चलना चाहिए। मगर आप क्या करेंगे? वो तो मुझ पर छोड़ दे। अच्छा। तू शमशीर पर नजर रखना। बिल्कुल रखूंगा। आखिरकार शमशीर की एक लड़की भी तो है जिसकी उसने शादी करानी है। मगर मैनेजर साहब शादी से इस बात का क्या मतलब? या तो शमशीर की लड़की की शादी होगी और या बर्बादी। तू शमशीर और उसके थैले पर नजर रखना। जी जी समझ गया सरकार। अच्छा सरकार नमस्ते। काफी गंभीर समस्या है, देखिए सोच समझ कर जवाब दीजिएगा, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। जी सर। अगर आप सब लोग मेरा साथ देने को तैयार हों तो मैं मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई शुरू करता हूँ। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा सर जी, लेकिन असली बात तो सबूत की है ना जी। हाँ सर, अगर मैनेजर के खिलाफ कोई सबूत है ही नहीं तो फिर उस पर कोई भी चार्ज कैसे लगाया जा सकता है? लेकिन सभी जानते हैं कि इस मामले में
शमशीर ही एक ऐसा शख्स है जो हमारी मदद कर सकता है। शमशीर, वैसे तुम्हारे थैले में है क्या? भाइयों, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? आप लोग मुझे इसमें क्यों घसीट रहे हैं? शमशीर, इसका मतलब ये हुआ कि तुम हमारा साथ देने से इनकार कर रहे हो? हाँ सर, इसका तो सीधा सीधा यही मतलब होता है। नहीं 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 भाई, नहीं, आप सर आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मेरा यकीन कीजिए, मैं पूरे दिल से आपके साथ हूँ सर। तो फिर सबूत क्यों नहीं दे देते? आप मेरा यकीन कीजिए भाई, मेरे पास जो भी कुछ है मैं वो दे दूंगा। और सर ये बात मैं आपके लिए अपने खून से लिख के देने को तैयार हूँ सर। तो क्या तुम थैला दे दोगे? हाँ हाँ सर, अगर अगर थैला ही देना है तो थैला भी दे दूंगा सर। हालांकि आप लोग जानते हैं कि मुझे इस थैले से कितना प्यार है, मैंने इस थैले को कभी अपने से अलग नहीं किया, और ये थैला मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यारा है। लेकिन अगर आप लोग कहते हैं तो मैं ये थैला दे दूंगा। हाँ, इसका मतलब थैले में पड़ी शमशीर गड़बड़ घोटाला करने वाले के सिर पर पड़ी ही पड़ी। गड़बड़ घोटाला करने वाला मैनेजर? मैनेजर। बड़ी खुशी की बात है कि शमशीर हमारा साथ देने के लिए तैयार है। तो अगर आप लोगों की सलाह हो तो मैं ये सारी रिपोर्ट्स विजिलेंस डिपार्टमेंट को दिए देता हूँ। बिल्कुल सही सर। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस मामले की छानबीन के लिए शमशीर अपना थैला तक देने को तैयार है। ठीक है सर, मैं ये थैला विजिलेंस ऑफिसर को दे दूंगा सर। सर लेकिन मेरी आप लोगों से एक विनती है। आप लोगों को तो पता ही है कि अगले महीने मेरी बेटी की शादी है, और आज के जमाने में एक लड़की की शादी करना कितना मुश्किल काम है ये भी आप सब लोग जानते ही हैं। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि ऐसी संकट की घड़ी में मेरे साथी मेरी कुछ मदद करेंगे? सब लोग तुम्हारे साथ। क्यों नहीं शमशीर, इस नेक काम के लिए सबसे पहले मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। शमशीर ये मेरी तरफ से। ये लो। थैंक यू रामलाल। रामलाल ये मेरी तरफ से शमशीर को दे दो, बाकी बाद में देखा जाएगा। हाँ कोई बात नहीं। थैंक यू चौहान। थैंक यू शर्मा जी। थैंक यू त्रिपाठी जी। सर थैला तो गया, अब हम चले। भाइयों मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने जो मुझे संकट की घड़ी से उबारा है ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा, और मैं ये थैला विजिलेंस ऑफिसर को दे दूंगा सर। वेरी गुड शमशीर, वेरी गुड। सर अब आप सारे चार्ज लगाकर विजिलेंस ऑफिस को रिपोर्ट कर दें। ठीक। थैंक यू सर। आज से मैनेजर के खिलाफ जंग शुरू। मैं सारी रिपोर्ट विजिलेंस डिपार्टमेंट भेज देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। शमशीर। अरे साहब आपने कैसे तकलीफ की साहब, मुझे बुलवा लिया होता साहब। अरे शमशीर प्यासा ही कुएं के पास आता है ना। ये आप क्या कह रहे हैं साहब, प्यासा तो मैं हूँ, आप तो कुआं है साहब। फिर भी साहब ये तो गरीब का घर है साहब। साहब चाय तो पियेंगे ना। कामनी बिटिया। जी पापा। बेटे नमस्ते करो अंकल को। जी नमस्ते। जीती रहो। यही बेटी है ना जिसकी शादी होने वाली है? जी साहब यही है बेटी। जाके अंकल के लिए कुछ चाय मिठाई वगैरह का इंतजाम करो। जी बहुत अच्छा। बैठो शमशीर जी, तुमसे कुछ बात करनी। आप बैठिए ना सर। शमशीर मैंने सुना है स्कूल में मेरे खिलाफ साजिश हो रही। साजिश? हाँ साहब, वो विजिलेंस ऑफिसर को रिपोर्ट कर दी गई है, और ये भी सुना है कि इस मामले की पूरी छानबीन होगी। मैंने ये भी सुना है कि तुमने कहा है तुम मेरे खिलाफ सबूत दोगे। नहीं 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 साहब, नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है साहब। तुमने ये थैला नहीं देने को कहा हमसे? हाँ साहब, वो तो ऐसा था ना कि सब लोग मेरे पीछे पड़ गए, तो मैंने कह दिया कि मैं ये थैला विजिलेंस ऑफिसर को दे दूंगा। तुम ये थैला हरगिज किसी को नहीं दोगे। और एक बात और याद रहे, इस मामले में हर दूसरे तीसरे दिन मुझसे मिलते रहोगे। ठीक है साहब, मैं ये थैला किसी को नहीं दूंगा, लेकिन अगर मैं हर दूसरे तीसरे दिन आपसे मिलने आऊंगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी साहब। कैसी गड़बड़? बच्ची की शादी सिर पर है, रोज शाम को ट्यूशने प्राइवेट ट्यूशने पढ़ाने का काम करता हूँ, तो अगर आपसे मिलने आऊंगा तो। देखो इस बच्ची की शादी की जिम्मेदारी तुम हम पर छोड़ दो, आखिरकार ये हमारी भी तो बच्ची है ना। ठीक बात है साहब, आपके तो मुझ पर वैसे भी बहुत एहसान है,
बहुत सारी मेहरबानियां हैं साहब, मुझे बरसर भी तो आप ही ने बनाया था। देखो शमशीर, मैं तुम्हें एक 50,000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिलवा देता हूँ। इस पैसे से तुम स्कूल में रंग रोगन और उसकी पुताई करवाओगे। इस काम के लिए तुम्हें स्कूल से भी 5,000 रुपए मिल जाएंगे। ठीक है साहब, अगर अकल से काम लोगे तो काफी कुछ बचा पाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। और इस थैले का ख्याल रखना। जी साहब, मैं ये थैला किसी को नहीं दूंगा साहब। ये थैला हमारे लिए बहुत कीमती है। जी मुझे मालूम है साहब, ये थैला आपके लिए बहुत कीमती है। अच्छा अब चलते साहब। वो चाय साहब, फिर कभी साहब। वो शादी की मिठाई तो कम से कम। तो तुम्हारा ये नाम शमशीर सिंह है? जी। कितने सालों से स्कूल में हो? जी कोई 15 साल से सर। और मैनेजर? जी कोई जब से स्कूल बना है साहब, नहीं मेरा ख्याल है 20 साल से। मैनेजर की धांधलियों के बारे में क्या जानते हो? साहब वो साहब मुझे कुछ नहीं पता, सच। बरसर भी हो ना स्कूल के तुम? जी जी जी। तुम कुछ नहीं जानते? नहीं साहब, मैं तो अभी 15-20 दिन से ही साहब बरसर बना हूँ। अच्छा, बरसर 15-20 दिन से हो और नौकरी कर रहे हो 15-16 साल से? जी। मैनेजर ने तुम्हें बरसर इसलिए बनाया है कि वो तुम उसके घोटाले पर पर्दा डाल सको। नहीं साहब, आप क्या कह रहे हैं साहब? ऐसा मत कहिए साहब, मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, सारा स्टाफ जानता है साहब। कोई गलत काम नहीं किया तो ठीक है, सही काम करो। जो सबूत तुम्हारे पास है वो हमें दे दो। साहब मेरे पास कोई सबूत नहीं है साहब। सारे लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे पास सबूत है और इस थैले में है। नहीं साहब। हाँ साहब, अगर लोग कहते हैं तो ठीक ही होगा साहब। ठीक है, यहाँ जी इधर आइए, यहाँ बैठिए। देखो शमशीर, स्कूल में सारे स्टाफ मेंबर ये कह रहे हैं कि सबूत तुम्हारे पास है और मैनेजर पर जो आरोप लगाए गए हैं उनको साबित करने के लिए सबूतों की बहुत इंपॉर्टेंस है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? जी साहब। साहब अगर स्टाफ मेंबर कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे साहब। तो ये सबूत हमें दे दो। साहब सबूत तो इतने हैं कि मैनेजर बच नहीं सकता और एकदम पक्के सबूत हैं साहब। लेकिन लेकिन क्या? ठीक ठीक बोला। मगरमच्छ से बैर तो नहीं लिया सकता ना, अगर पानी में रहना हो तो। मैं गरीब आदमी हूँ साहब, अगर मैंने सबूत आपको दे दिए तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी साहब। हो, मैनेजर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती जब तक कि ये सबूत हमारे पास नहीं हो। तुम इस बात को समझते हो? नहीं साहब, एक तरकीब हो सकती है। तरकीब? हाँ साहब, आप मुझे सरकारी नौकरी दिलवा दीजिए किसी भी सरकारी स्कूल में और मैं ये सारे सबूत आपको दे दूंगा। ये तो सरकार की मदद वाली बात है ना साहब। अगर मेरी नौकरी चली गई साहब तो मैं गरीब तो बेमौत ही मारा जाऊंगा साहब। ठीक है, तुम्हें सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो ये सबूत हमें दे दो। नहीं साहब नहीं, मैं कोई खतरा मोल नहीं ले सकता। आप मुझे नौकरी दिलवा दीजिए, मैं ये सारे सबूत आपको दे दूंगा। ठीक है, तुम ये सबूत अपने पास संभाल के रखो। ठीक है। मीनवाइल हम मैनेजर की पूछताछ करते हैं। ठीक है साहब, आप बेफिक्र रहें साहब, मुझे मालूम है ये बहुत कीमती है साहब। ठीक है, ओके यंग मैन। ओके सर, थैंक यू सर। वो मेरी नौकरी सर हो जाए सर, आपके सबूत सर। ठीक है। देखिए मिस्टर मैनेजर, विजिलेंस की निगाह बड़ी पैनी होती है, उससे कुछ छुपता नहीं। स्कूल के फंड्स में जो घोटाला हुआ है उसकी जिम्मेदारी आपकी है। बैंक के अकाउंट्स में घपला, डोनेशंस में धांधली, सब आपने की है। अफसर साहब, इन आरोपों को सिद्ध करने के लिए पहले सबूत तो लाइए। इस तरह एक इज्जतदार आदमी की इज्जत के ऊपर हाथ डालते हुए आपको शोभा नहीं देता। चाय तो पीजिए। चाय मैं नहीं, आप पियेंगे, और वो भी सरकारी मेहमान बनकर लॉकअप में। ना 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 ना, आप तो गुस्सा कर रहे हैं सर, वो भी खामखा।
देखिए अगर किसी ने घोटाला किया है तो वो प्रिंसिपल ने किया है। मैं तो घर से बाहर ही नहीं जाता, मेरा तो सारा वक्त पूजा पाठ में ही निकल जाता है। सारा वक्त पूजा पाठ में निकल जाता है, मगर हमारे पास सारे सबूत मिल चुके हैं। जो लोगों से आपने डोनेशंस लिए हैं और उनको डकार गए, उनके सबूत। पहले सबूत दिखाइए तो सही। वो भी दिखाएंगे, दिखाएंगे। शमशीर सिंह को जानते हैं ना, उसका थैला भी देखा होगा आपने। अच्छा, आप शमशीर सिंह की बात कर रहे हैं, तो फिर तो आपको सब कुछ बता ही देना पड़ेगा। ठीक है, आ गए सही रास्ते पर, इसी में आपकी भलाई है। देखिए, हम भी कोशिश करेंगे कि सजा देते वक्त आपके साथ नरमी बरती जाए। देखिए, जब आपको सब कुछ पता ही लग गया है तो पहना दीजिए हथकड़ी। वो भी पहनाएंगे, लेकिन सबूत तो दिखा दीजिए। दिखा देंगे, कल शमशीर वो थैला हमारे हवाले कर देगा और आप सलाखों के अंदर होंगे। देखो शमशीर, मुझे मालूम है कि तुम अब मेरे स्कूल में नौकरी नहीं करते, तुम एक सरकारी मुलाजिम हो और अपने मर्जी के मालिक। सब आपकी दया है हुजूर, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। जो चाहो करो, मुझे तो मालूम पड़ा है कि तुमने विजिलेंस ऑफिसर को इस सरकारी नौकरी के एवज में कुछ सबूत देने का वादा किया। साहब वो तो ऐसा था ना साहब, कि उनका कहना था कि मेरे पास जो सबूत हैं वो उनका केस मजबूत करने में बहुत मददगार साबित होंगे। साहब हमारी जड़ें काटना चाहते हो? नहीं साहब। देखो, किसी भी हालत में वो सबूत तुम विजिलेंस ऑफिसर को नहीं दोगे। साहब मैं ठहरा सरकारी नौकर साहब, मैं उन्हें मना कैसे कर सकता हूँ। सोचिए ना साहब, अगर मैंने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया तो मेरी तो नौकरी गई ना, समझिए साहब। साहब आपको तो मालूम है कि मेरी बेटी की शादी है और उसके सिलसिले में मैं कितना परेशान रहता हूं। अरे बेटी की शादी की तुम फिक्र मत करो। हाँ देखो, फिलहाल ये लो 20,000 रुपए और गहने भी मैं ही बनवाऊंगा। नहीं साहब नहीं, मैं गरीब आदमी हूं और अपनी बेटी की शादी बड़े सीधे साधे तरीके से कर दूंगा साहब। अरे नहीं नहीं, देखो बेटी की शादी है, रख लो, काम आएंगे, और फिर हमारी भी तो बेटी है ना वो। साहब अब आपसे क्या छुपाना साहब, हम 3 भाई हैं साहब, और मैं सबसे बड़ा हूं। वो जो दो छोटे हैं ना साहब, उनके पास खूबसूरत बंगला है साहब, गाड़ी है और इतना पैसा है साहब की। साहब आज अगर मेरे पास पैसा होता ना साहब तो साहब। अरे रे रे रे, घबराओ मत शमशीर, पैसा तो हाथ की मैल है। देखो तुम हमारी मदद करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। दुनियादारी इसे ही कहते हैं, फैसला तुम्हारे हाथ में। ठीक है, शादी के पहले फिर आऊंगा। ठीक है साहब। साहब आप आए ऐसे मौके पर हैं कि हम आपकी कुछ ज्यादा सेवा नहीं कर पाएंगे। दरअसल शादी का घर है ना, तो सब सामान इधर उधर फैला पड़ा हुआ है। अरे भाई चिंता नहीं करो, मैं तो इधर से निकल रहा था, सोचा तुम्हें नई नौकरी की बधाई देता चलूं। कैसा लगा नया स्कूल? थैंक यू सर, स्कूल तो बहुत अच्छा है सर, लेकिन ज्यादा ध्यान देने का वक्त नहीं मिला। चलो तुमने ज्वाइन तो कर ही लिया ना। जी अब ये सबूत हमको दे दो। साहब ये सब सबूत तो आप ही के हैं, मैं भी आपका हूँ, ये सबूत भी आपके हैं, बस जरा इस शादी के झंझट से निपट लूं। भाई हर नागरिक अगर तुम्हारे जैसा हो जाए ना, हैं, तो हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो जाए। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर आपने माइंड तो नहीं किया ना सर? अरे भाई तुम फिक्र ना करो, हैं? सर जहां आपने हो गया। इतने दिन इंतजार किया है वहां थोड़े दिन और सही सर, मैं जरा शादी से निपट लूं सर। अच्छी बात है, हम इंतजार और कर लेते हैं। भाई शादी में तो आ नहीं सकता, बस ये छोटी सी एक भेंट है सर, इसकी क्या जरूरत है सर, सब कुछ आप ही का दिया हुआ है, वो स्कूल की नौकरी वगैरह सब। अरे भाई मैं खुशी से दे रहा हूँ। सर अगर आप देना ही चाहते हैं तो बिटिया को खुद ही दे दीजिए सर। कामनी बिटिया, कामनी जी। पापा बेटे ऑफिसर साहब को नमस्कार करो।
इसकी शादी है सर। इस बेटे की शादी है जी। जीते रहो अच्छा बेटे, एक छोटी सी भेंट है हमारी तरफ से, है फिर आऊंगा मैं। थैंक यू सर। इत्मीनान से शादी करो जी। जी सारे इंतजाम कर लो जी। मैं फिर आऊंगा जी। जी थैंक यू सर। मैं शादी के बाद सर आपसे मिलता हूँ सर। अच्छी बात। शमशीर भाई, आप ये घी के पीपे के तुम इतनी लेट लेके आए हो, अंदर ले जाओ। शमशीर इधर तो देखो साहब। आप साहब इस वक्त साहब आपने साहब कैसे तकलीफ की। मैंने कहा था ना बिटिया के लिए गहने लाऊंगा, ये रहे बिटिया की शादी के लिए गहने। आपने तो साहब ऐसे ही तकलीफ की साहब। गरीब आदमी की बेटी की शादी तो ऐसे भी हो जाती साहब। अरे मैंने तुमसे क्या कहा था, तुम्हारी बेटी हमारी बेटी वही शादी तो बड़े धूमधाम से होगी। अच्छा शमशीर, वो सबूत का क्या हुआ साहब। वो विजिलेंस ऑफिसर आया तो था, अभी तो मैंने उसे टाल दिया साहब, लेकिन शादी के बाद वो फिर आ धमकेगा साहब। तुम उसे सबूत मत देना किसी भी हालत। साहब मैं उसे कैसे कैसे मना करूंगा साहब, क्योंकि मेरी नौकरी भी तो उसी ने दिलवाई थी, और अगर मैंने ज्यादा आनाकानी की ना साहब तो मेरी नौकरी चली जाएगी और मुझे फिर जिंदगी भर यहाँ इस घर में बैठना पड़ेगा। देखो नौकरी की तो तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हारी नौकरी पर कोई आंच आई तो उसका हर्जाना तो मैं भरूंगा। साहब मैं उसे मना कैसे कर सकता हूँ, मेरी नौकरी भी तो उसी ने दिलवाई थी ना, और अगर मैंने ज्यादा आनाकानी की साहब तो वो तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी साहब, मुझे सारी जिंदगी यहाँ घर में बैठना पड़ेगा साहब। देखो नौकरी की चिंता मत करो, अगर तुम्हारी नौकरी पर कोई आंच आई तो उसका हर्जाना मैं भरूंगा। साहब नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, ये तो पक्की बात है। अच्छा ऐसा करो तुम ये रखो। ये क्या फिलहाल इतने तो रखो, और अगर तुम्हारी नौकरी चली गई तो उसका नुकसान मैं पूरा कर दूंगा। साहब अगर उन्होंने थैला छीन लिया तो। एक मिनट, ये तुम्हारा काम है, थैला उन्हें नहीं मिलना चाहिए, मुझे एक एक मिनट की खबर मिलती रहेगी। अब मैं चलता हूं, और जैसा मैंने कहा है वैसा ही होना चाहिए, समझे। आप बेफिक्र रहे हैं साहब, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। आपको किसी पे शक नहीं है? जी नहीं, किसी पे शक नहीं है। हो गया? हाँ साहब हो गया। चलो। तो आपका थैला चोरी हो गया जी। वो थैला कहाँ रखा था जी? वो हमेशा घर में ही रहता था, और उस दिन भी मेरा ख्याल सराहने के नीचे ही रखा था। आपको किसी पे शक नहीं है, है? शक किस पे करें साहब, शादी का घर था, दसियों मेहमान आए हुए थे, कितने ही लोग काम कर रहे थे, इस बारे में क्या कहा जा सकता है। उस थैले में रखा क्या था? बहुत जरूरी कागज थे साहब, और सरकारी अमानत समझ लीजिए। मतलब ये कि वो थैला सरकारी कागजातों के साथ गुम हो गया जी। ठीक है साहब, हमने रिपोर्ट लिख ली है, आप यहां दस्तखत कर दीजिए। जब आपको किसी पे शक ही नहीं तो आपका थैला मिलना तो बहुत मुश्किल है। वैसे हम पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, आप ये रिपोर्ट की कॉपी रख लीजिए। ओके हम चलते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। एक पुराना सा दिखने वाला थैला घर से कहीं गुम हो गया है। उस थैले में जरूरी कागजात थे, जिस किसी सज्जन को भी मिले वो थैला निकट के पुलिस स्टेशन में जमा करवा दे, या शमशीर सिंह मास्टर राजकीय विद्यालय नंबर 2 पीरगढ़ से संपर्क करें। थैला लाने वाले व्यक्ति को उचित इनाम दिया जाएगा। एक पुराना सा दिखने वाला थैला घर से कहीं गुम हो गया है। उस थैले में जरूरी कागजात थे, जिस किसी सज्जन को भी मिले वो थैला निकट के पुलिस स्टेशन में जमा करवा दे, या शमशीर सिंह मास्टर राजकीय विद्यालय नंबर 2 पीरगढ़ से संपर्क करें। थैला लाने वाले व्यक्ति को उचित इनाम दिया जाएगा।
एक पुराना सा दिखने वाला थैला घर से कहीं गुम हो गया है। उस थैले में जरूरी कागजात थे। जिस किसी सज्जन को भी मिले वो थैला निकट के पुलिस स्टेशन में जमा करवा दे या शमशेर सिंह मास्टर राजकीय विद्यालय नंबर 2 पीरगढ़ से संपर्क करें। थैला लाने वाले व्यक्ति को उचित इनाम दिया जाएगा। मास्टर जी राम राम। राम 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 राम। कहिए मास्टर शमशेर सिंह जी, बहुत दिनों बाद आए। बस ऐसे ही एक जरूरी काम था। हाँ हाँ कहिए कहिए। एक नया थैला तो सिल दीजिए।